अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वॉइस ऑफ रोही के साथ मैं हूं नायला भट्टी। सबसे पहले शामिल करते हैं आज की अहम खबर। कैरोड पकड़ डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर कैसर आबाद से हम गुलाम हुसैन खान बलोच साहब को इस नेकी के काम करने पर खराज तहसीन पेश करते हैं। 10 सालों में जो कोई न कर सका वो खिदमत खल्क के जज्बे से सरचार इस नौजवान ने कर दिखाया। चमकदार आंखें, पुरउम्मीद चेहरा, जामे अंदाजे, हिकमत और बासलाहियत दिमाग, जज्बा खिदमत खल्क से भरपूर और जुल्म जबर के अंधेरों के खिलाफ मुजाहमत करने वाला वाहिद फलाही शख्सियत ये खूबसूरत नौजवान, जिसका दिल खिदमत इंसानियत से सरचार है, जिसके जज्बात में दुखी इंसानियत का दर्द है, जो दूसरों के दर्द को अपना दर्द समझता है, गरीब की तकलीफ को अपने दिल में महसूस करता है, खूबसूरत जज्बा, खूबसूरत अंदाज, खूबसूरत सोच के जिसका दिन रात अपने वसी बासियों के मसाइल उजागर करने और उन्हें सुलझाने की तकवदू में गुजरता है। जेरे नजर तस्वीर बगैर किसी शख्सी तारुफ के मोहताज है। अगर इसका कोई तारुफ है तो वो महज खिदमत इंसानियत का आलमबरदार और मजलूमों का मसीहा है। जी हाँ, ये शख्सियत है ओवरसीज पाकिस्तानी सरदार गुलाम हुसैन बलोच, जो एक जिंदा दिल और खिदमत खलक इंसान है, जिन्होंने THQ अस्पताल के MS डॉक्टर मोहम्मद अहमद खादम से टेलीफोनिक गुफ्तगू के बाद अस्पताल के लिए 18 लाख रुपए मालियत की नई डायलिसिस मशीन देने का वादा कर दिया। 10 साल से कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन किसी ने भी THQ अस्पताल में डायलिसिस मशीनें फराहम न की। मजबूरन बेचारे गुर्दों के मर्ज में मुबतला मरीजों को गुर्दे वाश कराने के लिए या लोधरा जाना पड़ता था या फिर बहावलपुर। लेकिन सरदार गुलाम हुसैन बलोच के जज्बे को सलाम पेश करते हैं, जो कहरूल पक्का के पासियों का ये दरीना मुतालबा पूरा कर रहे हैं। गुलाम हुसैन बलोच वो दर्द दिल रखने वाली शख्सियत है, जो गरीबों के घरों में राशन से लेकर देहातों में आलूदा पानी से निजात दिलाते हुए फिल्ट्रेशन प्लांट मुहैया करने से लेकर मरीजों के लिए एम्बुलेंस की सहूलत से लेकर बेरोजगार नौजवानों को रोजगार से लेकर क्रिकेट के मैदानों से लेकर मस्जिद इमामों के महाना वजीफों से लेकर बच्चों को किताबें मुहैया करने से लेकर नौजवानों नस्ल को रोजगार फराहम करने से लेकर सैलाब जदगान की मदद करने। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहें वॉइस ऑफ रोहिणी।